जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बैंक बैलेंसेस बाहर हैं, उनके महलात बाहर हैं, उनका इलाज बाहर है, उनकी छुट्टियां बाहर हैं, वो कभी पाकिस्तान की वो दर्द नहीं रख सकते। इमरान खान ने एपीके का बेड़ा गर्क किया, वो देख लो फ्रॉड हुआ है 40 अरब रुपए का पेशावर में। हमें वो काले पानी नैब पूछा था, काले पानी इनको तो पूछा नहीं नैब ने। इमरान खान नैब का लाडला है, पंजाब हुकूमत का लाडला है। ये जो दो नाम नेहाद सियासी जमातें हैं जिन्होंने पंजाब की सियासत को यरगमाल रखा था, जिनका जाती लड़ाई है, जिनका नजरियाती लड़ाई नहीं था, तो वहाँ चाहते हैं कि लोग अब उनके मिसाइल पर बात करें, कलम गलोच का सियासत ना करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जासमीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर से आगाज करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो इलेक्शन सपोर्ट सेंटर रावलपिंडी में बनाया गया है उसका आज दौरा किया है, और इलेक्शन कमीशन और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज और उसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए जाहिर सी बात है ये मैसेज था कि आवाम के साथ मिलकर जो आज़ाद इलेक्शंस हैं उनको भरपूर तौर पर सपोर्ट करेंगे, और ताकि आवाम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकें। जाहिर सी बात है आज 19 तारीख है, 6 दिन रह गए हैं, और 6 दिन के बाद पाकिस्तान जाएगा वोट करने के लिए। पाकिस्तान जब वोट करेगा तो पाकिस्तान अपनी आने वाली 5 साल की तकदीर का फैसला करेगा। आपके हलके में क्या हो रहा है हमने आपको दिखा दिया, आप के मुल्क के साथ क्या हो रहा है ये आप रोज तकरीबन खबरों में भी सुनते हैं और तज्जियों में भी सुनते हैं। पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त क्या हाल है, डैम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फंड जो है वो कायम किया है, पानी की किल्लत आने वाले दिनों में एक ऐसा तौक बनेगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत हर तरीके से पाकिस्तान का पानी रोकने में अब तक डैम्स बनाने में कामयाब हो रहा है। दहशतगर्दी की जंग से पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मस्तूंग में होने वाले उस धमाके ने, एएनपी पे होने वाले हमले ने और आज कायमा कमेटी को दी जाने वाली रिपोर्ट ने ये वाजे कर दिया है कि दुश्मन अपना वार करने के लिए किसी भी वक्त चुन सकते हैं किसी भी टारगेट को। ये बताया गया है कायमा कमेटी की मीटिंग में कि जितने भी इम्पॉर्टेंट सरबराह हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हो सकते हैं, इमरान खान हो सकते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, और उसके साथ साथ 68 मोर पीपल जो हैं वो हिट लिस्ट पे हैं, और उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशंस को भी खुदा न खासा खतरा हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2018 के इंतखाबात 2013 के इंतखाबात से बहुत मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि आज 2018 के इंतखाबात में एक पोलिटिकल पार्टी जो है वो उसके सरबराह और उनकी बेटी जेल में है, जो आज मुलाकातें भी हुई उस पर भी बात कर लेंगे, तो भाई उनकी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फीलिंग जनरली तमाम लोगों में ये है कि वो गेमा गेमी नहीं है, वो तासर नहीं है इलेक्शंस का दही इलाकों से भी और अर्बन सिटीज में भी, शायद वो तैयारी नहीं है जोरों शोर की जो शायद 2013 में थी। ये हम सोच रहे हैं, हमारी फीलिंग है, या वाकई इस पर तज्जिया निगारों की कुछ पल्स है। बात करते हैं कि 2018 के इंतखाबात कैसे मुख्तलिफ होंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया जामी चांडियो साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, मज़हर अब्बास साहब आल्सो वेरी सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जामी चांडियो साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी, ये हमें महसूस हो रहा है या वाकई इस दफ़ा वो दमखम नहीं है, वो ज़ोर शोर नहीं है पोलिटिकल पार्टीज़ में,
और सारा का सारा फोकल पॉइंट मुझे लग रहा है सिर्फ पंजाब बना हुआ है। जसपीन, मेरे ख्याल से आपका ये परसेप्शन दुरुस्त है, और सिर्फ आपका नहीं है, पूरे मुल्क में आम तौर पर जो एक रायामा बन रही है वो यही है कि 2008 की बनस्बत, 2002 की बनस्बत, 13 की बनस्बत जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन है और जो पॉलिटिकल पार्टीज की वाइब्रेंसी होती है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पूरा, इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि उस सतह पर ना सियासी जमातों ने कोई तहरुक लिया है, ना शहरियों की शिरकत बहुत कोई सरगर्म है। और उसकी मेरे ख्याल से दो तीन वजूहात बड़ी पर्टिनेंट हैं। एक तो शायद वो जो अनसर्टेनिटी की फिज़ा बनी रही काफ़ी अरसा के, शायद इंतखाबात होंगे भी नहीं होंगे। दूसरा कि जो 10 साल का फेल्यूर है इस प्रोसेस का कि लोगों को डिलीवर कुछ नहीं हुआ और अक्रॉस द कंट्री नहीं हुआ जनरली, तो जाहिर है कि लोगों के पास मोटिवेशनल फैक्टर्स की कमी है। क्यों आखिर लोग आके शिरकत करें, ये इस दफ़ा के इंतखाबात का एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और तीसरी बात कि सोशल मीडिया ने और दीगर इस तरह के चीज़ों ने आम शहरियों को सियासी अमल में शिरकत के कुछ और मैदान फराहम कर दिए हैं कि लोग अपने घर बैठकर भी ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी राय अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तमाम फैक्टर्स हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज इस दफ़ा मैं कहूँगा कि जितनी भी हैं, मिसाल के तौर पर चलें, PVP का तो फेल्यूअर था सिंध के अंदर, PMLN का भी एक फेल्यूअर था ओवरऑल, 10 साल का इन दोनों जमातों का बड़ा फेल्यूअर है, लेकिन क्या PTI भी नहीं कर पाई पूरे मुल्क में? तो PTI का फोकस भी पंजाब आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि आज देखे ना उनके जो आज अभी मैं जो जलसा सुन रही थी और जिसमें जो वाजे उन्होंने ये बात की, बट दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। और मेरे ख्याल से तमाम लोगों को, पाकिस्तानियों को, एनालिस्ट को इस पर भी डिबेट करने चाहिए आने वाले दिनों में, और प्रॉब्ली नॉट द राइट टाइम। बट ये क्या है कि देखे, मोहसिन आपकी तरफ गुफ्तगू को लाती हूँ, अभी खान साहब ने ये कहा लाहौर इंतखाबात को 25 जुलाई का फैसला करेगा और पंजाब पाकिस्तान के इंतखाबात का फैसला करेगा। भाई बलूचिस्तान, KP, सिंध, ये सूबे जो हैं, क्योंकि इनकी नेशनल असेंबलीज की सीट कम है, इनकी पार्टिसिपेशन आपको कम लगती है शायद, तो पंजाब जो भी फैसला करेगा वो पूरे मुल्क को मानना पड़ेगा। जैस्मिन, बेसिकली पंजाब इज द मेन फैक्टर किसी भी इलेक्शन में, क्योंकि उनकी नेशनल असेंबली की देख लीजिए 141 सीट्स हैं इस बार, और जो भी पंजाब में जीतेगा, मेजॉरिटी सीट्स लेगा, नेशनल गवर्नमेंट वही बना पाएगा, क्योंकि उसमें बाकी जो प्रोविंस हैं उनकी भी उतनी अहमियत है, उतना ही उनका रोल भी है, लेकिन साइज के लिहाज से वो छोटे हैं और उनकी सीटें अगर आप देखें तो नेशनल जितनी पार्टीज हैं 3 ही हैं, पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, तरीके इंसाफ है, PMLN है, तो सबको पता है कि बलूचिस्तान में तो ना पीपल्स पार्टी उस तरीके से मुतहरिक है, ना उनके इतने वोटर और सपोर्टर हैं, इसी तरह PTI है और PMLN और पीपल्स पार्टी, तो उन प्रोविंसेस की इतनी बात आप इसलिए नहीं कर सकते कि वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को पता है कि ट्रेंड क्या होगा और रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। पंजाब में इस बार क्योंकि दो पार्टियों में बहुत सख्त मुकाबला है, PTI और PMLN में, तो पंजाब इज द मेन फोकस और बैटल फील्ड भी पंजाब ही है। अगर जो बंदा पंजाब में मेजोरिटी लेके आएगा तो नेचुरली वो पंजाब को भी कैटर करेगा और फेडरल गवर्नमेंट में भी उसकी मेजॉरिटी जाहिर होगी और वो इस पोजीशन में होगा कि वो गवर्नमेंट बना सके। तो सारा फोकस इस वक्त नो डाउट वो पंजाब के ऊपर। तो पंजाब का क्या ट्रेंड नजर आ रहा है आपको फिर? पंजाब में जी अगर आज तक की हम बात करते हैं तो नेचुरली थोड़ा सा एज है PTI को, लेकिन नो डाउट के PMLN जो इतने अरसे से वहां पे गवर्नमेंट भी कर चुके हैं और उनका एक स्ट्रांग होल्ड भी था, उनके पास इलेक्टेबल्स कैंडिडेट्स अच्छे भी हैं, कुछ उनको छोड़ के चले गए, तो उसका फिर मियां साहब का जो केस है, उसका फैसला आना, उनका जेल जाना, और अपोनेंट्स ने उस केस को इतना ज्यादा पब्लिक में, TV पर, जलसों में एक्सप्लेन किया, तो नेचुरली उनको वो हैंडीकेप है PMLN का, उस तरीके से पिजराई नहीं मिली। शहबाज शरीफ साहब उस तरीके से जिस तरह मियां साहब जलसे किया करते थे वो नहीं कर पा रहे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो उनको थोड़ी सी ट्रबल आ रही है पंजाब में। प्लस जैसे आपने कहा कि 10 साल गवर्नमेंट की, कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया अपने मंशूर को, जो मंशूर दिया उसको फॉलो नहीं किया, और जो करप्शन और नैप के केसेस थे वो आपके सामने है, वो एक हैंडीकैप उनके खिलाफ जा रहा है, वो एक एज अपने अपोनेंट को दिया जा रहा है कि जी वो, क्योंकि वो पंजाब में कभी रूल नहीं किया
तो लोग ये समझते हैं कि नए लोग हैं, उनका मंशूर, उनकी बातें, उनका बड़ा मुकाबला होने वाला है तरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पंजाब में, और उसके अलावा मेरे ख्याल से सिंध के हवाले से भी बात करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और हमने देखा पीपल्स पार्टी ने भी अभी तक अपना पूरा फोकस जो है वो पंजाब ही का रखा हुआ है, वो छोटे कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे बिलावल साहब जो करते जा रहे हैं, सो ऑन गोइंग प्रोसेस है। वो मजर क्या देख रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वो शोर गुल नहीं है, वो हंगामा आराई नहीं है, यानी कि वो जोश और वलवला नहीं है जो हमेशा होता है। और मैंने बहुत हल्के किए हैं पिछले दो हफ्ते में, कराची तो मैंने तकरीबन पूरा कर लिया है। आप यकीन करें मुझे, लोगों ने कहा कि जी कौन से कैंडिडेट, अभी तो कैंडिडेट आ रहे हैं, पता कैंडिडेट आए भी नहीं है। देखिए जैस्मीन, दो चीजें हैं, एक तो ये कि एक गैर यकीनी सूरत हाल काफी अरसे तक रही कि इंतखाबात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है किसी हद तक आज भी अगर आप लोगों से कहें तो कुछ लोग अब भी ये सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है इंतखाबात के हवाले से, इसने काफी कैंपेन को डैमेज किया है। दूसरी बात ये कि बहुत सी ऐसी जो पाबंदी है वो भी रुकावट बनी है, यानी कराची में मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर बैनर्स उतारे जा रहे हैं, झंडे नहीं लगाने दिए जा रहे, और ये नहीं है कि पार्टियां लगाने नहीं चाह रही, और ये अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ मैं, जी जी, कि सारी जमातों को ये शिकायत है कि ये जो बैनर फ्लैग्स हैं ये नहीं लगाने दिए गए, झंडे नहीं लगाने दिए गए, बैनर्स नहीं लगाने दिए गए। तो ये तो जाहिर है जो इलेक्शन का एक कलर होता है वो कलर कभी भी आपको नहीं नजर आएगा इस तरह, तो जब आप इलेक्शन के कलर नहीं नजर आएगा तो फिर लोगों जो वोटर है उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह भी जामी ने भी की थी कि जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये लोग घरों पे बैठ के ज्यादा इंजॉय करते हैं जलसों को, जुलूसों को, इन चीजों को ज्यादा। पहले जाहिर है प्राइवेट टेलीविजन उस तरह नहीं थे तो उस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट जो था वो ज्यादातर वो जलसा सुनने आते थे, अब लोग जलसा देखने टेलीविजन पे बैठ जाते हैं। नहीं, लेकिन तो मजर क्या आप इससे एग्री करेंगे कि थोड़ी मायूसी भी है? देखिए मेरी बात सुने, मैं अब एक अर्बन सिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, कराची शहर को आप ले लें, आप यकीन करें मैंने लियारी से लेके उरंगी तक जितने इलाके कवर किए हैं, मुझे कोई ऐसा एक शख्स नहीं मिला, और मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की एक पाकिस्तानी के नाते कि उन्होंने कहा हो कि जी हमारे बच्चे का फ्यूचर, हमारी तालीम या हमारा हेल्थ क्या होगा, ये नहीं वो पूछ रहे। उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के दुहाइयां दी है कि हमारा कचरा उठा लो, हमारा सीवरेज नहीं है, हमें बिजली नहीं है, हमें पानी नहीं है। ये 2018 का कराची ये है जैस्मीन? उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि आपके यहाँ बलदियाती इदारे कभी भी मजबूत होने नहीं दिए गए, और इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कसूर है कि वो बलदियाती इदारों को मजबूत नहीं होने देती, उनको वो एम्पावर्ड नहीं करती। ये जितने भी इश्यूज आपने अभी बात की ये सारे सारे लोकल बॉडीज के इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन तो लेजिस्लेशन की वजह से होता है कि आप कौन सी कानून सादी करने जा रहे हैं, कौन से कवानीन लेना लाने जा रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि लोकल बॉडीज में काम नहीं हुआ, लोकल बॉडीज एम्पावर्ड नहीं हुई, तो लोगों के बुनियादी मसले वो बन गए, तालीम, सेहत, पानी की सहूलतें, ये सारी चीजें जो थी ये तो अगर आप बलदियाती इदारों को एम्पावर्ड करते तो ये बहुत सी चीजें लोग आज डिस्कस भी नहीं कर रहे, तो लोकल बॉडीज के इश्यूज हैं। वो आपकी ठीक है बात, लेकिन एक आम वोटर ये नहीं समझता मजहर। जब मैंने उनसे बातें की है जामी साहब, जब मैं उनसे बात कर रही थी तो वो ये कह रहे थे कि हमने तो उसको वोट डाला था, हमने तो उसको वोट डाला था, हमने तो इसको वोट डाला था, इस पार्टी को डाला था। वो ये नहीं कह रहे थे कि जी ये लोकल नुमाइंदे नहीं आ रहे, यानी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, तालीम का मेयार भी तो देखें। देखें जैस्मीन, इंतखाबात पाकिस्तान की एक अलमिया ये भी है ना कि देखें कि हमारे इंतखाबात में मैनिफेस्टो डिस्कशन का, डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस दफा मुझे बताएं कि किसी जमात का मैनिफेस्टो है कोई जेरे बहस? नहीं, एक दूसरे पे तंकीद का मैनिफेस्टो है। दूसरी बात कि पाकिस्तान में अभी तक डेमोक्रेसी सब्सटेंशियल अंदाज से इस लेवल पे नहीं आई कि जहां शहरी समझें कि हुकूमतें हमारे लिए आ रही हैं। जब तक लोग नहीं समझते कि ये हुकूमतें, ये असेंबलियां, ये ऐवान, ये हमारे लिए आ रहे हैं, तब तक जाहिर है कि फिर लोगों को क्या होता है। देहाती इलाकों में जाएं तो वहां ब्रादरी सिस्टम एक फैक्टर है मोटिवेशनल। शहरी इलाकों में मजा सही करें कि जिस मुल्क में 70 साल गुजरने के बावजूद बलदियाती इदारे का ऑर्डर दुरुस्त नहीं है,
जहां पीने का साफ पानी, जहां सिवरेज, जहां ड्रेनेज, जहां स्ट्रीट लाइट, जहां बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, तो जाहिर है। और बदकिस्मती देखें आप जैस्मीन के, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स माइक्रो अफेयर्स में जाएं? नहीं, होता यह है कि बल्दियाती इदारे देखते हैं सिविक एमिनिटीज को, शहरी सहूलियात को, और सूबाई और मरकजी हुकूमतें देखती हैं पॉलिसीज को, आईन साजी को, कानून साजी को, मैक्रो पॉलिसी को। तो अब मसला यह है कि इस वक्त तक पाकिस्तान में जो फिजा है, जो सियासी डिस्कोर्स है, जो सियासी मुहरकात हैं, उसमें आम शहरी को ये यकीन नहीं है या ये ट्रस्ट नहीं है कि ये जो हुकूमतें आती हैं, असेंबलियां आती हैं, ये उनकी सर्विसेज के लिए आती हैं। तो नहीं है, तो नतीजा ये है कि जो देहाती माशरा है वो अभी तक बरादरी निज़ाम का हिस्सा है। वहाँ वोट का पैटर्न ये तो है इस दफ़ा कि शहीदों का वोट या नारेबाजी का वोट या कैरिज्मा का वोट जा चुका है। मुझे लगता है प्रेगमेटिक जो है एटीट्यूड ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस जज्बाती नारे या जज्बाती वोट के बुनियाद की के मुतबादल जो पैटर्न सामने आ रहा है वो ब्रादरी का निज़ाम है। पंजाब में आप जाएं तो पंजाब में ये देखें, जो सुपरफिशियल डिस्कोर्स है वो अलग है, सरजमीन पर जो ब्रादरी का निज़ाम है वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन इसी गुफ्तगू को मोहसिन आप, मैं फिर, मेरा तो बुनियादी सवाल ये हो गया कि आज का जो पाकिस्तानी है उसमें शऊर आ चुका है काफी हद तक, लेकिन फिर भी उसे ये नहीं मालूम कि उसके जो पाकिस्तान के, क्योंकि देखें वो अपने घर के दरवाजे के हद तक का मसला देख रहा है, वो दरवाजे से निकलकर ये नहीं देख रहा कि उसके वोट ने पाकिस्तान की कैसे तकदीर बदलनी है अगले 5 साल में। जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इतनी लंबी फहरिस्त है कि जो भी हुकूमत में आने वाला है, जो भी हुकूमत में आने वाला है, वो ये ना समझे कि वो कोई फूलों की सेज पर लेटेगा, बिकॉज पाकिस्तान के कर्जे, पानी, मईशत, जो तबाही की नहज पे हम पहुंच चुके हैं, दे हैव टू टेक मेजर्स टू कंट्रोल दैट। जैस्मीन आप ठीक कह रही हैं, मैं भी जब बहुत से लोगों से बात होती है तो लोग अपने इंडिविजुअल मसले, अपने इलाके के मसले या अपने मोहल्ले और कॉलोनी के मसले जब सुनाते हैं कि जी हम उसको वोट देंगे अगर वो हमारे इलाके का ये मसला हल कर दे। बदकिस्मती कह लीजिए, मैं समझता हूँ इस कौम को शऊर नहीं आया, इनको वोट की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे वोट तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बिरयानी की दे कीमे वाले नाम पे बिक जाते हैं। मसला ये है कि जिस दिन इस कौम ने ये सोच लिया कि इनके वोट की अहमियत और इन्होंने वोट उस शख्स को देना है जो इनको इस मुल्क को, इस कौम को एक बेहतर अंदाज से लेके चले और हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर सिक्योर कर सके। बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ नहीं होगा, शायद मेरी एज में या मेरी जिंदगी में ना हो, लगता ऐसा है कि बिल्कुल हमारे सोचने समझने की सलाहियत इन हुक्मरानों ने ख़त्म कर दी है। और आप देखें बल्दियात की आप बात कर रहे थे, पिछले 8 साल सारी गवर्नमेंट्स ने, प्रोविंस की गवर्नमेंट्स ने बल्दियात का फंड इस्तेमाल किया और बल्दियाती अदारों को स्टैब्लिश और उनको उनके इलेक्शन नहीं होने दिए क्योंकि वो बल्दियात का फंड इतना ज्यादा है। Exactly. सिर्फ पंजाब में मेरे ख्याल में 900 बिलियन का वो फंड है ईयरली, जो एक बंदा जिसका नाम जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो इस्तेमाल कर रहा था। तो वो फंड आप कहीं भी इस्तेमाल कर दें, और MNA और MPA को नालियां और सड़कें और सीवरेज बनाने पर लगा दिया, उनको भी तरक्याती फंड अरबों में मिले। तो अगर लोगों ने यही सोचना है इंडिविजुअली तो आप देख लीजिए मुल्क की मईशत का क्या हाल किया पिछले दौर में और आज हम किस जगह पे खड़े हैं। मैं समझता हूँ जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, वो चाहे इमरान खान हो या कोई और हो, मैं नहीं समझता कोई इस क्राइसिस में से निकल पाएंगे। और इसको, ये ऐसे हालात हैं, इसमें अगर सब मिलके कुछ करें तो शायद, मेरा फिर भी ख्याल है कि निकलना बहुत मुश्किल है और ये क्राइसिस आपके मईशत के बढ़ते रहेंगे क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा प्लान 5 या 10 ईयर्स का नहीं है, ना हम बना पाए हैं। आपने कर्जे इतने ले लिए हैं कि आपको पे करने के लिए आप कुछ भी करें तो आपके पास पैसे नहीं है। तो इसमें, इन हालात में भी अगर लोग सोच समझ कर वोट ना दें और छोटे पैटीज इशू को और ब्रादरीज्म को और अपनी जात पात के चक्कर में पढ़कर वोट देंगे तो मैं समझता हूँ इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है और इसका फ्यूचर मुझे तो नजर नहीं आता, शायद किसी और को नजर आ रहा हो। मजहर एक बात बताएं, सिंध के हवाले से और ओवरऑल इलेक्शंस में आप किस तरह का देख रहे हैं, स्प्लिट मैंडेट देख रहे हैं
عوام کنفیوزڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے یا کسی کو سمپتی ووٹ پڑے گا؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا انالیسز آپ کا؟ دیکھیں زیادہ تر لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ خان پارلیمنٹ آئے گی اور اس کی دو تین بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جس طرح شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو مین بیٹل ہے وہ پنجاب میں ہی ہے اور ہمیشہ ہی جو پنجاب کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سینٹرل کے ریزلٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. مرکز میں کون حکومت بنائے گا جو پنجاب میں, یعنی پنجاب میں اگر آپ 70 سے 80 سیٹیں لے لیں تو آپ ایک جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے مل کے حکومت بنا لیتے ہیں. انٹل انلیس آپ کی 100+ سیٹس آتی ہیں تو آپ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی جماعت جیتے لیکن اس کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہونی چاہیے اور اس سے فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک پارٹی کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئلیشن گورنمنٹ میں جاتے ہیں, ہنگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر بلیم گیم ہوتا ہے. بالکل جی, انہوں نے کام نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو کم سے کم ووٹر کو ووٹ دیتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں, کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں یا برادری کو ووٹ دے رہے ہیں. اور جب اگر ایسا ہوتا ہے جو کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ یا سمپل ایون سمپل میجورٹی کے ساتھ اگر کوئی گورنمنٹ بناتا ہے تو پھر ایک سال بعد, دو سال بعد, تین سال بعد میں اسے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جی آپ کے پاس کمپلیٹ میجورٹی تھی, آپ کیوں نہیں ڈلیور کر سکے. یہ ہماری یہاں ہمیشہ دیکھیں ابھی بہت پرابلم آئیں گی کیونکہ ضروری ہے کہ جو مرکز میں حکومت بنائیں وہ پروونسز میں بھی حکومت بنائے. یہ اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل اٹانومی کے بعد بے شمار جو پاورز ہیں وہ پروونسز کو ڈیلیگیٹ ہو گئی ہیں. تو اس لیے پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں بلکہ میرے لحاظ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جو مرکز میں حکومت بنائیں گے, کیونکہ اب پروونسز کے پاس وہ پاورز ہیں, وہ اختیارات ہیں کہ اب ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. ہم صرف مرکز کے لیول پہ سوچتے ہیں, ہم پروونسز کے لیول پہ جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, لیبر ہے, یہ ساری پروونسز کے پاس ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, یہ ساری چیزیں پروونسز کے پاس ہیں. تو پروونشل گورنمنٹ کو تو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہی نہیں. ہم ساری ہماری جو کوشش ہوتی ہے اور ہماری ساری جو ہم ایمفسائز کرتے ہیں وہ مرکز کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے مرکز کو اور زیادہ نیچے آنا چاہیے اور پروونسز سے لوکل باڈیز تک چیزیں آنی چاہیے. دیکھیے جب تک آپ ڈی سینٹرلائزیشن نہیں کریں گے, جب تک آپ پاور کو ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے نیچے تک, کبھی بھی پاکستان کے ایشوز ریزالو نہیں ہو پائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, بات کرتے ہیں پاکستان کے وہ کون سے مسائل ہیں جن کو نئی حکومت کو فیس کرنا ہوگا. جامی چانجو صاحب, ایک بات بتائیں, جیسے مظہر نے یہ بات کی اور میں اگری کرتی ہوں کہ اگر ایک کے پارٹی کو کمفرٹیبل میجورٹی نہیں ملتی تو پھر پاکستان کے جو یہ مسائل ہیں, اتنے سنگین مسائل ہیں, یہ تو پھر بلیم گیم ہی چلتا رہے گا. دیکھیں جیسمین, یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ایک طرف تو بالکل بات پرنسپلی ٹھیک ہے جو مظہر نے بات کی کہ اگر سنگل پارٹی میجورٹی گورنمنٹ نہیں بنتی تو کولیشن گورنمنٹس کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بارگیننگ میں, سب کو راضی کرنے میں, سب کو وزارت دینے میں ان کا ٹائم لگا جاتا ہے. اور صوبہ سندھ تو سب سے بڑا وکٹم ہے اس فابولا کا کہ 85 سے لے کر اور 18 کے انتخابات تک, 13.25 کے بعد تمام کی تمام گورنمنٹس سندھ میں آئی ہیں تو وہ کولیشن گورنمنٹس ہی تو ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے پازیٹیو میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن کا, وہ یہ کہ جو ہیجمنی اور مونوپولی مخصوص جماعتوں کی ایک عرصے زمانے سے موجود ہے کیسے ٹوٹے گی. پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی مونوپولی, سندھ کے اندر پی 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 کی مونوپولی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر ایک پہلو منفی یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کے نتیجے میں شاید گورننس کا مزید خراب پیٹرن سامنے آئے, لیکن اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ضرور ہے کہ برف پگھل رہی ہے اور وہ جو ایک اجارہ داری کی ایک پارٹی کی پارٹی کی وہ سچویشن اب تبدیل ہو رہی ہے
और आप देखेंगे कि देखिए डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना, डेमोक्रेसी कोई वन टाइम कोई सिचुएशन, ये एक प्रोसेस है। तो मैं समझता हूँ कि इस इन इंतखाबात में तमाम तर मनफी पहलुओं के बावजूद जो बिहेवियरल चेंज है, जो वोटर्स के अंदर जो एक नया एक रवैया हम देख रहे हैं, आपने देखा है कि सिंध के अंदर जो है वो कितने जो फ्यूडल्स हैं रह रहे हैं, जो जो जा रहे हैं उनको कितनी, जैस्मीन मैं आप बताऊं कि देखें ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दिमाग में हवा रही बड़ा जमाना कि, और ये सिंध के बारे में दीगर सूबों में डिस्कोर्स रहा कि भाई आखिर है क्या कि तमाम जमातों में शिफ्ट आती है पोलिटिकल, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तरक्की भी नहीं हो रही ना। जाहिर है इस दफा की सिचुएशन ये है कि एक जमात को 10 साल मिले और बगैर किसी मुदाखलत के 10 साल मिले, उस जमात को दिखाने के लिए एक भी टेंजिबल काम नहीं है कि भाई शहरियों को चले पीने का साफ पानी फराहम कर सकते हैं आप। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि इस दफा देखें कि पहली मर्तबा सिंध की पॉलिटिक्स में एक तब्दीली है क्वालिटेटिव, और वो सिंध जहां हम देखते थे कि शायद शहीदों का नारेबाजी का वोट, सहरंगेजियत का वोट, इस दफा देखें कि इस दफा लोगों ने हिसाब किताब लेना शुरू किया है, लोगों ने सियासी एहतसाब शुरू किया है, सोशल मीडिया पर नौजवान और पूरे के पूरी माशरे का की जो एंगेजमेंट है, जो डिस्कोर्स का, तो मैं समझता हूं कि ये बाय एंड लार्ज एक पॉजिटिव चीज है कि हमारी देखिए जमहूरियत में जब तक एक बाशऊर और तनकीदी शऊर का हामिल अवाम नहीं होता तब तक कभी तो नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मोहसिन क्या आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ये हमने देखा है कि पीएमएलएन के भी बहुत सारे लोग नहीं जा सके, उनको भी काफी दुश्वारियां पैदा हुई अपने हलकों में। नहीं, इसमें देखिए लास्ट 5 और 6 इयर्स में सोशल मीडिया, प्राइवेट चैनल्स, ये टॉक शोज या थोड़ा सा इंटरनेट ने एक इस हद तक तो अवेयरनेस पैदा की कि आप अपने जिनको आपने वोट दिया या सपोर्ट किया उनसे आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि अभी बात हो रही थी, मैं समझता हूँ ये जो सिस्टम और मौजूदा जो सिस्टम हमारे यहाँ राइज है इसकी शक्ल इतनी बिगाड़ दी गई है कि ये डिलीवर नहीं कर रहा। या तो आपको इस सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा, इसकी जगह कोई और सिस्टम लेके आए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाए, या इसकी ओरिजिनल फॉर्म में इसको लेके आए। ये तो जमहूरियत इसको नहीं कहा जा सकता जिस तरीके से पाकिस्तान में ये सिस्टम राइज हुआ जा रहा है। यहाँ तो वही बात है कि अगर एक शख्स इलेक्शन के लिए नाहल होता है तो उसका दूसरा खानदान का बंदा आ जाता है, या उसी फैमिली में से 6-6 लोग आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अब एक आम कॉमन आदमी के बस की बात रही नहीं। या तो आपके पास 150 बंदों की फैमिली हो या आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीज हो तो आप इलेक्शन में आ सकते हैं। मेजॉरिटी लोग, मेजॉरिटी में बात कर रहा हूँ, जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि कोई भी पढ़ा लिखा दरमियाने तबके का शख्स, चाहे उसमें कितनी भी क्वालिटीज हो, वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारा इनके साथ कंपीट ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको बदलना पड़ेगा, ये डिलीवर नहीं कर रहा। आपने बार बार इलेक्शन करवा दीजिए, यही चेहरे हैं जो स्विंग करते हैं कभी इधर कभी उधर, जिस तरफ वो देखते हैं हवा है उस तरफ वो चेंज हो जाते हैं। आप इन मौजूदा कैंडिडेट्स की अगर हिस्ट्री देख लें तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 5 इलेक्शन में इन्होंने कितनी दफा पीटीआई को भी आखिर बात ठीक कह रहे हैं, वही करना पड़ा ना जो आज उनको ताने पड़ रहे हैं, तो वही करना पड़ा, इलेक्टेबल्स की तरफ जाना पड़ा क्योंकि वो मजबूर हो गए, उनको पाकिस्तान का निजाम ही ऐसा एक एक जंजाल पूरा बना हुआ है। मोहम्मद मालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया जी, मोहसिन एक सेकंड दीजिएगा, मालिक से भी बात कर लेते हैं, जरा पूछते हैं उनसे सूरत हाल। मालिक बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मालिक, व्हाट इज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड, क्या व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट दिस इलेक्शन, क्या पल्स है? देखिए जो तमाम पार्टीज के अपने इल्जामात या क्रेडिट्स क्लेम्स अपनी जगह, लेकिन जहां तक पंजाब है, पंजाब में काफी क्लोज है। अच्छा, जब शहरों में आप जाते हैं तो आपको पीटीआई की थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है गहमा गहमी, जैसे ही आप रूरल एरिया से जाते हैं आपको डेफिनेटली पीएमएलएन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। सेंट्रल पंजाब में कैंडिडेट्स काफी स्ट्रॉन्ग फील किए हुए, ये काफी नेक एंड नेक है, जो काफी स्ट्रॉन्ग एक चैलेंज है। लेकिन इस वक्त अगर आप मेरे से बिल्कुल डिस्पैशनेट राय लें तो एज वी स्पीक टुडे अभी तो मुझे पीएमएलएन ज्यादा मजबूत पोजीशन में नजर आती है पंजाब की हद तक। ओके, लेकिन ये इतना बड़ा डिफ गैप नहीं, ये दिन ब दिन कम हो रहा है कि जो कि वो आराम से बैठते हैं। आई थिंक
बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जैस्मीन के इलेक्शन दिन वाला दिन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा। जो पीएमएलएन का ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी रही है पहले इलेक्शन लड़ने की और पूरा उस दिन को मैनेज करने की, वो लास्ट टाइम पीछे की बहुत बुरी थी। लेकिन इस बार अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे, इतने ज्यादा सीजन लोग भी आए हैं, इलेक्टेबल्स भी आए हैं, इस बार इन्होंने भी काफी काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली इनकी परफॉर्मेंस पहले लास्ट इलेक्शन से बेहतर होगी। लेकिन इलेक्शन डे टर्नआउट एंड मैनेजमेंट बहुत बड़ा फर्क डालेगी इस साल। अच्छा मलिक, एक बात बताएं, आपने कहा पीएम, क्या ये जो अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ साहब जेल गए और जिस तरह आज उनका सारा वो बताया गया कि जी मिलने गए और उनको सोने के लिए बेड नहीं था, ये वो, तो ये जो चीजें चल रही हैं और फिर कुछ आपने देखा जिस तरह उनकी पोस्टरिंग और कैंपेनिंग भी है, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? तो ये बात दुरुस्त हुई कि उनका जेल जाने से सिंपैथी फैक्टर बढ़ा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि I don't agree with that. मेरा ख्याल है जेल में जाने से जो आपके अपने committed workers हैं उनका ही हौसला ज़रा बढ़ता है कि अच्छा जी हम शर्मिंदगी नहीं हुई, वो यहीं आ गए, ये कोई स्विंग वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा। दो ग्राउंड पीएमएलएन को सिर्फ फायदा ही हुआ कि इन्होंने अपने कैंडिडेट्स पीटीआई से पहले फाइनल कर दिए थे। अच्छा, मतलब फॉर्मल टिकट्स तो आपने अनाउंस की वो तो एंड में की, लेकिन इनके बहुत ज्यादा हलकों में जो की हल्के थे वहां पे लोगों को पता था कि कौन सा कैंडिडेट है। पुराने लड़े ना, इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, उस जो सिटिंग एमएलए से बहुत कम चेंज हुए, ज्यादा तो वही लोग रिपीट हो गए, तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी आपके लिए इजी कर देता है चॉइस को। बट हैविंग सेड दैट, इन्होंने अपने टिकट्स के फैसले पहले कर लिए हुए थे। पीटीआई ने अपने काफी लेट फैसले किए, फिर चेंजेस भी आपके सामने आई, फिर पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी इनफाइटिंग जो चल रही थी जहांगीर तरीन साहब की और शाह महमूद ग्रुप की, वो बहुत थी। देखिए पीएमएलएन में ये इनफाइटिंग कोई नहीं थी, दो बयानियां जरूर हैं कि नवाज शरीफ का एक्सट्रीम हार्ड लाइन है, शहबाज शरीफ का थोड़ा सा नॉन कॉन्फ्रंटेशन एटीट्यूड था, लेकिन बयानी अप्रोच का फर्क था, लेकिन आपस में कोई स्प्लिट नहीं था पार्टी के अंदर। ओके, तो ये चीजों ने जो है ना, और ये थोड़ी थोड़ी, देखिए ये इंक्रीमेंटल डिफरेंसेस होते हैं जैस्मीन, ये नहीं होता कि कोई कयामत नहीं आती, ये छोटी छोटी चीजें एड ऑन करके आपको मजबूत या कमजोर बनाती है। लेकिन एक हवा बनती है पंजाब में, जिसका पंजाब में से इंप्रेशन ये बन रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, ठीक अब, और जी मियां साहब जो है इन्होंने जी जंग छेड़ दी है फौज के साथ और जुडिशरी के साथ। पंजाब ट्रेडिशनली पीपल लाइक टू वोट फॉर द विनिंग कैंडिडेट, तो वो हारने वाले के साथ नहीं होते, और ये इनको चीज आई थिंक हर्ट कर रही है। इन्होंने तो हर एक से लड़ाई ले ली है, फौज से भी लड़े हैं, इन्होंने तो नहीं आड़ देना। ओके, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। मोहसिन, आप क्विकली इस पे कमेंट करना चाहते हैं जो मालिक ने बात की है, नेक टू नेक आप भी इसकी बात कर रहे थे, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। जी मैं तो यही कह रहा था, मालिक साहब की बात मैं उनसे पहले भी यही कह रहा था, मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूं। पंजाब क्योंकि मेन बैटल फील्ड है, इसमें दो ही पार्टी है और दोनों इस वक्त नेक टू नेक, वाकई नेक टू नेक है। हो सकता है अगले छह दिनों में किसी का थोड़ा सा एज, मैं समझता हूँ आज भी एज थोड़ा सा पीटीआई को इसलिए हासिल है कि उनका बयानिया, उनके जेल जाने का उनको कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो उन पीएमएलएन को एज दे सके। प्लस वो 10 साल गवर्नेंस करके आए हैं, पीटीआई ने गवर्नेंस पंजाब में नहीं की, तो ये फैक्टर पीटीआई को थोड़ा सा एज देते हैं। तो होपफुली आने वाले दिनों में सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी किस हद तक आगे गई है और उनका जो भी मौकफ या मंशूर, जो भी चीजें वादे और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसमें उसका मुआयना करना होगा कि आया जो पहले रूलिंग कर चुके हैं उन्होंने अपने मंशूर पे, वादों वादे पे, पूरे किए या नहीं, कितना अमल किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जामी चांडियो साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया। मजहर ने हमें ज्वाइन किया था, मोहसिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मोहम्मद मालिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज वन की खसूसी नशरियात इलेक्शन के से रिलेटेड 2018 की शुरू देखेंगे इतवार से पूरे हफ्ते तक, जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते 25-26 तक ये ट्रांसमिशन चलेगी। स्टे ट्यून्ड टू न्यूज वन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।